अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। अभी वो अगले दिन एक मौलाना साहब ने मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया हुआ और गालियां दी। मुझे बताइए, गाली का भी कोई जवाब होता है? तेरे मुंह जवाबी। कैसी फगी आई मेरे दिमाग से? गाली का कोई जवाब है? कुरान कहता है ला नबतगिल जाहिलीन, जाहिलों से न उलझो। गाली वो आपको देता है जिसके पास आपके सामने लाने के लिए दलील नहीं होती। रुक, तेरे को बताते। और बेगैरती की इंतहा। बेटा तू भी शुक्र कर कि तू उस वक्त नहीं था, वरना पैगंबर के सहाबा का तुम्हें एक आवाज सुनने को मिलती, तुम्हारी टट्टी निकल जाती। ना उन पता लगा बच्चू जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो जो मौलाना को गालियां देता है ये दलाइल से आजज लोग हैं, और आजिज बेवकूफ बेचारे के साथ रुस्तम जैसा पहलवान नहीं लड़ा करता। रुको जरा, सबर करो। मैं भी इसे कहता हूँ, शुक्र कर उस वक्त मैं तेरे सामने नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम निकले कहाँ से हो, और तुम्हें मैं घुसाता कहाँ हूँ जहाँ से तुम आए हो। हाय हाय, देखे ना कितनी प्यारी लैंग्वेज यूज की। खैर, क्लास 4 समझ के माफ कर दे, जाने दो बाबा, जाने दो, कोई नहीं प्रॉब्लम। छड्डा गाने इंशाल्लाह ताला। तो गाली वो देते हैं, गाली नहीं दलील लाओ। अबे साले, इज दिस निगा सीरियस? मेरे मुकाबले में कोई गाली लाता है, कोई धमकी लाता है, कोई धौंस लाता है, तो इसका मतलब है कि वो दलाइल से आ रही है जैसे गधा सिंगों से आ रही है। दूसरे तो चुक के रख दियो, तो आप तुसी काम पाओ तो तानू छड़ दईए सी ना। कुछ लोग शायद आपको कहें कि मौलवी ने ऐसे गल कर देती है, और हमने अच्छी भली इस मिर्जा की मंजी ठोकी है। अभी फजूल, क्योंकि मिर्जा साहब अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। एक फुल टॉस मिली है तो एक छक्का मारा जाए बाउंड्री से बाहर। मिर्जा की वो हैसियत नहीं है जिस हैसियत में जुमला कह रहा है। आर यू कॉमेडी मी? मैं समझता था कि ये सिविल इंजीनियर है, ये तो इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर है। ज़ाहिर है कि ये अब इल्मी तौर पर तो शिकस्त खा चुके हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा मामला होगा और हम इस तरह जलील ख्वार होंगे अपने करतूतों की वजह से। उमूमन लोग तो अपनी औलाद के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं, और फिरकों के उलमा वो हैं जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इतनी यकीन करो, बहुत बुरा वक्त आया जी फिरके होते हैं। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा तौबा, फिरक्या ने कदे इतना बुरा वक्त नहीं दे। और वाबियों तो बहुत बुरा वक्त आ गया जे, वाबियों तो सोचे ही नहीं कि साड़ा बयानी किधर और टूट जाएगा।